पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। P2N लाइव के माध्यम से आज हम लोग अपने बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि बुलेटिन के जरिए हम लोग आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा खबरें पहुंचा सकते हैं और आज इसका पहला एपिसोड आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। अमूमन देखने को मिलता है कि जो खबरें वाकई आप लोगों को दिखाई जानी चाहिए उन खबरों का मीडिया में कहीं जिक्र तक नहीं किया जाता है, और अगर जिन खबरों को आप लोगों के सामने पेश भी किया जाता है तो उन खबरों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि जिन लोगों की आवाज उठाई जा रही है वही लोग दोषी बनाकर कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यह सिलसिला बदस्तूर मीडिया के जरिए हम लोगों के सामने जारी है, और खासकर अभी तो फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो नतीजे लोगों के सामने आए हैं उसमें गोदी मीडिया पूरी तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहा है विपक्ष पार्टी की छवि धूमिल करने की। चाहे तेलंगाना की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, इन 4 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए वो वाकई हैरान कर देने वाले थे। और सबसे बड़ी बात जो गोदी मीडिया को इसमें हजम नहीं हुई वो थी कांग्रेस की जीत। कांग्रेस की जीत जहां 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद जो सीएम पद को लेकर के आपस में नाराजगी हर पार्टी में चलती रहती है, उस पार्टी को छवि को ऐसे दिखाया गया कि मानो कि कांग्रेस में ही सारे बवाल करने वाले पैदा हो गए हैं और कांग्रेस एक बवाल पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा है। क्या वाकई ये खबरें जो पूरे दिन रात आपके सामने दिखाई जा रही हैं, इन खबरों को दिखाना जरूरी है या उन खबरों के ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी है जो आपकी खबर आप तक पहुंचनी चाहिए? गोदी मीडिया ये ना दिखाए पर हम लोग आपके साथ खबरों में खिलवाड़ अब नहीं करने वाले और बुलेटिन की सीरीज आज P2N लाइव के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं। ओवैसी के कहने पर KCR ने किया था विधानसभा भंग, ये है बड़ा प्लान। तेलंगाना की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी अहम रोल निभाते हुए नजर आए। 7 महीने पहले KCR ने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा को पूरे तरीके से भंग कर दिया, और उसके बाद जो अब बातें निकल करके आ रही हैं, विधानसभा भंग करने से पहले KCR ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी, क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह कदम उठाया गया। क्योंकि 2019 के चुनाव के दौरान तेलंगाना में इलेक्शन किए जाते और उसको टाल दिया जाता या विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा इलेक्शन भी करा दिया जाता, पर ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अच्छे से समझ गए और वहां पर KCR के साथ मिल करके बड़ा कदम उठाया और उसका नतीजा हम लोगों के सामने है कि अब तेलंगाना के किंग KCR बन करके उभरे हैं और इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का अहम रोल बताया जा रहा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। KCR ने मोहम्मद महमूद को सौंपी एक और बड़ी जिम्मेदारी। मोहम्मद महमूद अली KCR के राइट हैंड माने जाते हैं और मुस्लिम वोटरों में पकड़ रखने वाले KCR के सबसे वफादार विधायकों के रूप में से एक माने जाते हैं, और उनका औहदा भी TRS में बड़ा हो रहा है, क्योंकि पिछली विधानसभा में भी ये उप मुख्यमंत्री के तौर पर बनाए गए थे, क्योंकि जो मुसलमानों से वादे KCR ने किए थे एक एक वादों को मुसलमानों से पूरा किया, क्योंकि इधर वो बात कर रहे थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी को हम लोग इस बार उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर उप मुख्यमंत्री के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना नाम आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने KCR को साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इस पद को नहीं संभालूंगा, मैं ऐसे ही अपने कौम की और जो मेरे कौम के नहीं हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज को इसी तरीके से बुलंद करूंगा। अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो आप ही की पार्टी में मोहम्मद महमूद अली हैं, उन्हीं को उप मुख्यमंत्री के पद पर फिर से बनाया जाए और इस बार उनको डबल
चुनौती दे दी गई है और उनको दो पदों पे नियुक्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भी तेलंगाना का मोहम्मद महमूद अली को सौंप दिया गया है। ये दो बड़ी जिम्मेदारी मोहम्मद महमूद अली तेलंगाना में संभाल रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। पिता को भी नहीं थी पद की लालसा, मुझे भी नहीं किसी पद की भूख। ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने देखा जब कांग्रेस जीती तो दो भागों में बांटने की कांग्रेस को कोशिश की गई, कमलनाथ की कांग्रेस अलग होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस अलग होगी। ये विभाजन हमारी गोदी मीडिया ने करा और कांग्रेस की छवि को अलग ही तरीके से पेश किया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरीके से दिखाया गया कि सारी बवाल की जड़ कांग्रेस में कोई अगर है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक टुक में साफ कर दिया और गोदी मीडिया को कड़े शब्दों में कह दिया कि हम राजघराने के लोग हैं, किसी पार्टी या किसी पद की लालसा नहीं रखते और मुझे भी किसी पद की भूख नहीं है। जो पार्टी के आला कमान मुझे कार्य सौंपेंगे, मैं उस कार्य में अपना 100 से 120% देने के लिए तैयार हूं। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। 4.5 सालों में पीएम मोदी ने की 84 यात्राएं, 2011 करोड़ रुपए का खर्च। जो बातें करते थे 2014 में कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, अगर 2014 के बाद किसी का फायदा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ है। और विकास की बात करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता करते रहते हैं। और अब यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अगर नोटबंदी से भी किसी का फायदा हुआ तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। और ये जो गरीबों का पैसा भारतीय जनता पार्टी बेशुमार लौटाए जा रही है, इसके बारे में जब जवाब देने का वक्त आया तो हिंदू मुस्लिम की डिबेट में आपको और हमें उलझाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2014-15 में नरेंद्र मोदी जी ने 13 विदेशी यात्राएं करी थी, 15-16 में 24, 16-17 में 19 यात्रा और अभी पिछले ही महीने चीन के दौरे से वापस भारत आए हैं। ये दौरों पर 2011 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और अपने इस प्रचार प्रसार में 5200 करोड़ रुपए। और आंख बंद करके पैसा गरीबों का लुटाया जा रहा है। क्या विकास हुआ है? जब इनसे इसके बारे में बात की जाती है तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और जब रोजगार, किसानों का कर्ज माफी की बात होती है तो ये उन सवालों से बचते हुए नजर आते हैं, तो मुद्दा खड़ा कर देते हैं राम मंदिर, क्योंकि हिंदू की आस्था का सवाल है। हिंदू और मुस्लिम में बांटने का काम बखूबी इन लोगों को आता है क्योंकि मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है। बढ़ते हैं पांचवी खबर की तरफ। 32 साल बाद एमपी में एक साथ चुनकर आए दो मुस्लिम विधायक, आरिफ अकील और आरिफ मसूद। मध्य प्रदेश की राजनीति में 33 साल बाद दो मुस्लिम विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। और इधर जो मोदी लहर और शिवराज मामा की सरकार का वर्चस्व बताया जा रहा था, वहां पर इन्होंने इसको पूरे तरीके से फेल कर दिया है। 1998 में पहली बार आरिफ अकील जीत करके विधानसभा पहुंचे थे और लगातार वहां से जीतते हुए आ रहे हैं। और इस बार उनके साथ आरिफ मसूद भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में जीत करके पहुंच चुके हैं। बढ़ते हैं छठी खबर की तरफ। योगी पर केस दर्ज करवाने वाले परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गोरखपुर में 2007 में दंगा भड़काने के आरोप में एक मुस्लिम शख्स ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर केस दर्ज करवाया था और उनके ऊपर केस की एफआईआर दर्ज हुई थी कि दंगा भड़काने में योगी आदित्यनाथ का अहम रोल है। पर अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है, कटघरे में खड़े होके सीएम योगी आदित्यनाथ जज के फैसले का इंतजार नहीं करते और तुरंत अपने फैसले ले लेते हैं और कह देते हैं कि मैं इस केस में दोषी नहीं हूं, मुझे फंसाया गया और मैं इस केस से बरी होता हूं। यहां उत्तर प्रदेश की राजनीति का और न्यायाधीश का जो अपमान सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, वो अपनी
चरम सीमा पर है, क्योंकि अगर कोई दोषी है योगी आदित्यनाथ के राज में तो वो है दलित और मुस्लिम, जिनको योगी राज में सताया जा रहा है। इनके ऊपर वो बात नहीं करते, फर्जी मुठभेड़ में दलितों और मुसलमानों को शिकार बनाना सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुकी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जब से 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से फसाद सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के राज में ही पैदा हो रहे हैं। इनके ऊपर बात करना जरूरी है, पर वो अपने आप को एक वर्चस्व के तौर पर पेश कर रहे हैं और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिशों में लग चुके हैं। बढ़ते हैं सातवीं खबर की तरफ। दो हफ्तों में 2.0 की कमाई, 700 करोड़ के पार, बाहुबली को छोड़ा पीछे। 2.0 रजनीकांत स्टारर फिल्म और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म, जो बात इस मूवी में एक दी गई और जो मैसेज दिया गया वो वाकई लोगों को पसंद आ रहा है, और इस मूवी के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है वो भी पैसा वसूल हो चुका है और लोगों को ये मूवी काफी पसंद आ रही है, और इसने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है। बढ़ते हैं आठवीं खबर की तरफ। अगर मैं छिंदवाड़ा का होता तो कमलनाथ को ही वोट देता सलमान खान। उन्होंने सलमान खान से जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप 2019 में या किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, तो सलमान खान ने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी पार्टी को वोट नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी पार्टी को वोट करूंगा। मैं इंसानियत को देखते हुए जो शख्स जिस काबिल होगा उसी को वोट करूंगा, और उदाहरण के तौर पर एक बात कही कि अगर मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का होता तो मैं कमलनाथ को वोट करता। कमलनाथ कांग्रेस की पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके खास मित्र भी हैं, जिसको लेकर के जो बयान अब सामने आया है तो गोदी मीडिया में इसे भूचाल मचाने का एक एजेंडा मिल गया, और सलमान खान को इस बार भी दोषी की तरह कटघरे में खड़े करने का भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को मौका मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नौवीं खबर की तरफ। सायना नेहवाल ने पारुपल्ली कश्यप से शादी कर ली है। जी, उन्होंने अब सायना नेहवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से लोगों को ये मैसेज दिया है कि उन्होंने पारुपल्ली कश्यप से शादी कर ली है, और पारुपल्ली कश्यप भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वो उनसे 10 सालों से रिलेशनशिप में थी और उन्होंने इस रिलेशनशिप को अपनी शादी में तब्दील कर लिया है। तो ये इंस्टाग्राम पर सायना नेहवाल ने जब खबर पोस्ट की तो लोग हैरान हो गए और उनके गांव वाले खासा नाराज हो गए कि उन्होंने इसके बारे में गांव वालों तक को नहीं बताया। बढ़ते हैं दसवीं खबर की तरफ। पाकिस्तान को मिली एशिया कप 2020 की मेजबानी। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है। 2020 में एशिया कप जो होगा वो पाकिस्तान को मेजबानी मिली है, जिसको लेकर के बीसीसीआई खासा आईसीसी से नाराज हो गया है और सवाल खड़े करने लगा है कि वहां पर अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो उधर एशिया कप नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 2020 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 में, वो भी इस साल सऊदी अरब में पाकिस्तान की मेजबानी की देखरेख में खेला जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें जो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ। ऐसी ही तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी ज्यादा से ज्यादा राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।